उत्तर प्रदेश चुनाव में रैलियों, रोड शो और पब्लिक मीटिंग्स पर चुनाव आयोग की रोक के बाद प्रचार के लिए पार्टियां नए नए तरीके अख्तियार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए फ्री बिजली स्कीम का सहारा लिया है। ये स्कीम है तो समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा, लेकिन पार्टी इसके प्रचार के लिए आज से डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर रही है। फ्री बिजली के बहाने क्या है अखिलेश यादव का पूरा पावर गेम, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का नया पावर गेम। पावर सिर्फ सत्ता को चैलेंज करने वाला नहीं, बल्कि वोट से पहले पब्लिक को लुभाने वाला पावर गेम। शुद्ध हिंदी में कहें तो फ्री बिजली का खेल। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। अखिलेश यादव ने पूरे लोक लुभावन यूनिट में समझा दिया कि आखिर चुनाव से पहले उनका पावर गेम क्या होगा, बिल्कुल अपने अंदाज में मंद मंद मुस्कुराते हुए। आखिर अखिलेश भी राजनीति के नौसिखिया नहीं है और ना ही फ्री सुविधा देने वाली राजनीति से नावाकिफ हैं। अंदाजा तो उन्हें भी पूरा है, चुनावी वादों में फ्री वाली योजनाएं गले से आसानी से नहीं उतरती। तो फिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसे कुछ ऐसे समझिए। आज से समाजवादी पार्टी की जो फ्री बिजली स्कीम शुरू हो रही है, उसके लिए डोर टू डोर कैंपेन होगा। घर घर जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से फॉर्म भरवाएंगे। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, नाम और बिजली कनेक्शन नंबर सही सही लिखवाएं, पूरे दस्तावेज के साथ। तो इसके जरिए लोगों को सत्ता में अपनी वापसी का वर्चुअल भरोसा देंगे। और सबसे बड़ी बात, फ्री बिजली के नाम लोगों को लुभाने के साथ योगी सरकार में बिजली के नाम पर नाकामियों को जनता के बीच ले जाएंगे। लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले, कई लोगों पर FIR भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पर हुआ है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को, और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को यह पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के जाने हैं, जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी इनको, इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अखिलेश का पूरा पावर गेम पूरे चुनावी प्लान के साथ आपने पिछले एक मिनट में देख सुन और समझ लिया। अब आगे समझिए इनकी पॉलिटिक्स। अब चूंकि फ्री बिजली के साथ अखिलेश का योगी सरकार पर फ्री हैंड टाइप वाला अटैक है, तो पहला पलटवार भी सीएम योगी की तरफ से आया। बाप मार डाडिस अंधियारे में, बेटवा बना बा पावर हाउस, ऐसे ट्वीट्स के साथ सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसा। तो मोहसिन रजा जैसे मंत्री ये बताने में जुटे रहे कि फ्री के नाम पर कितना बड़ा झांसा दे रहे हैं अखिलेश यादव। आप तो मुखिया रहे उत्तर प्रदेश के, आपको अच्छी तरह से पता है कि सरकार बिजली प्रोवाइड करती है, पार्टी नहीं प्रोवाइड करती है। समाजवादी पार्टी कहां से दे देगी? आपकी सरकार के दौरान तो अंधकार था उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के मुफ्त बिजली कनेक्शन दे दिए हैं। तो अब आपके छलावे में आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। जैसा कि मोहसिन रजा ने बताया, योगी सरकार का दावा है कि पीएम मोदी की जिस योजना के तहत पूरे देश में बिजली पहुंची, उसी तरह यूपी के गांव-गांव भी फ्री बिजली कनेक्शन के साथ रोशन है। रही बिजली के महंगे बिल की बात, तो अखिलेश जब इसे मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे थे, तब योगी सरकार नाराज चल रहे किसानों के लिए पावर गिफ्ट अनाउंस कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने ऐलान किया था कि यूपी के हर किसान को बिजली बिल में 50% छूट दी जाएगी। ये राहत घरेलू उपयोग और ट्यूबवेल में इस्तेमाल की गई बिजली दोनों किस्म के बिल में दी जाएगी। चुनावी सरगर्मियां बढ़ते ही बिजली को लेकर पूरा पॉलिटिकल प्रयोग बदल गया। जिस बिजली के बिल को योगी सरकार ने सिर्फ किसानों के लिए आधा करने का ऐलान किया, तो अखिलेश ने सबके लिए फ्री कर दिया।
फ्री मतलब 300 यूनिट तक फ्री, और बिजली ही क्यों, समाजवादी पार्टी की चुनावी पोटली में बिजली के साथ और भी बहुत कुछ फ्री है। जैसे किसानों को फ्री बीमा और पेंशन देंगे, किसानों को बिना ब्याज वाला लोन भी देंगे, 15 दिन में गन्ने की बकाया कीमत अदा करेंगे और सभी फसलों के लिए किसानों को MSP भी देंगे। कभी चुनाव में फ्री लैपटॉप बांट चुकी समाजवादी पार्टी के फ्री वाले पिटारे से 2022 के लिए यही निकला है। अभी घोषणा पत्र की राजनीति बाकी है, चुनावी रेवड़ियों की पूरी डिटेल तभी मिल पाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।